अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आते हैं ज़ेब किचन में। आज मैं आपको बताता हूँ जो सिंपली मैं ख़ुद बनाता हूँ, नूडल्स जो हैं और मैक्रोनी। आप देख रहे हैं ये, अब आप अपने मुताबिक बनाएंगे जितना बनाने हैं आपने। नूडल्स ले ली और ये जो आपकी पैकेट वाले आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये आप कोई भी दो पैकेट इसके ये डाल दी और आपने मैक्रोनी जितनी ले ली, आपने एक टमाटर जो है काट लिया, आपने एक अनियन भी ले लिया छोटा मुताबिक जितना आप बना रहे हैं, और ये थोड़ा सा गरम मसाला है और हल्दी है, नमक है और धनिया है पिसा हुआ ये, और साथ हमने क्या करना है, जैतून के तेल में। ठीक है, तो सबसे पहले कढ़ाई में जो है ना ऑयल डाल के उसको ज़रा हम, ये हमने मैक्रोनी अलग से रख दी हैं ये देखें, इसको बॉईल करने के लिए। और ये एक प्याज ले लिया है, उसको जैतून में ऑलिव ऑयल में, आपकी मर्ज़ी जिसमें बनाएं, तो मुझे जैतून ऑयल का ज़्यादा शौक है बनाने में, तो ये जैतून ऑयल में आपने थोड़ा सा इसको प्याज को अच्छी तरह करके मसाला बना के, और ये जब तक बॉईल हो रहा है, ये यहाँ पे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक स्टोव है और ज़्यादातर यही प्रेफर है यहाँ पे, और काफ़ी इसकी हीट है और बहुत ही अच्छा बनाने में। ये हमारे जो है ना, आप थोड़ा सा लाल हो के इसमें अब हम टमाटर डालेंगे। साथ ही हमने ये जो मसाले थे ये हमने डाल दिए, ये हमने उबाल लिया था अलग से, इसको बॉईल कर लिया था मैक्रोनी। अब हम मैक्रोनी डालेंगे, जी अब ये काफ़ी बेहतर हो गया है, इसमें कलर भी सही। अब जो हमने मैक्रोनी बॉईल की हुई थी वो हमने डाल देनी, अच्छा थोड़ा सा मैंने चेंज, मैंने ये चिकन जो है ना और ये पहले से बनाया हुआ था, तो मैंने चाहा इसको भी हम अपनी डिश में शामिल करें और इसको भी हम ऐड करते हैं। अब देखेंगे ऑलमोस्ट तैयार हो गया हमारा नूडल्स विद चिकन और मैक्रोनी। जी ये हमारी डिश तैयार हो गई है। अगर मज़ीद इसको टॉपिंग के लिए इस पे ऑलिव डालते हैं, ये कुछ थोड़े से ऑलिव,